इमरान मसूद का खुद ही नहीं पता वो किस पार्टी में जाए, कभी वो इधर कभी उधर कभी इधर कभी उधर। इमरान मसूद का तो बस ऐसा ही है, लेकिन लखनपाल का तो 100% कामयाबी है। क्यों इमरान मसूद का क्यों ऐसा है? बस लायक जो आदमी होता है वो ढंग की बात करे, और जो लायक नहीं होता वो कुछ वैसे ही फिर हो जा। इमरान मसूद लायक नहीं है? अरे नहीं, वो तो कहते हैं मुसलमान की तमाम बातें उठाते हैं, मुसलमान की इसकी उठाते हैं बात है, हमदर्दी है वो बात अलग है। बेरोजगारी है भी नहीं भी है, मगर ये क्या भाई, हमारा तो काम बढ़िया चला, क्योंकि मोदी योजना का मकान आए। अच्छा मकान जी, तो जितने मकान आए उसके हिसाब से हमारा काम बहुत बढ़िया चला। क्या होने वाला फिर 2024 में? राघव लखनपाल सहारनपुर की सीट पे कब्जा करेंगे? पक्का होगा जी, होगा। इमरान मसूद का क्या होगा? बस देखो जी, वो तो अल्लाह जाने। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है। मोहम्मद आसिफ जी, क्या लग रहा है, थोड़ा बहुत समय रह चुका है, नामांकन की तारीख आखिरी है 27 तारीख, एक और इमरान मसूद है एक और राघव लखनपाल है, तो कौन बाजी मारे? देखिए अब के जैसे राघव लखनपाल जी ने पिछली बार अपने टाइम पे बहुत अच्छा कार्य किया, तो जनता बहुत उनसे बहुत सुखी थी जब राघव लखनपाल जी थे। अभी बीच में जो मामलात हुए तो उसे जनता बहुत दुखी थी। अभी पूरा सहारनपुर और मुस्लिम कम्युनिटी जब से लखनपाल जी को टिकट मिला है और इतने खुश है, हर्ष उल्लास का जैसे होली और दिवाली एक साथ हो गई हो। इंशाल्लाह लखनपाल जी फुल बहुमत से जीतेंगे, उनके जैसा व्यक्ति बहुत ही जन्मों में कभी कभी पैदा होते हैं, और जो देश के लिए और जनता के लिए कार्य करने के लिए ही वो पैदा हुए हैं, और उनके पास आज भी कोई भी चले जाए, चाहे मैं भी गया हूँ कई बार काम के लिए, एक जैसे उनके पास जाते हैं वो तुरंत कार्रवाई करते हैं और फ़ोन करते हैं अधिकारियों के, भाई ये बंदा दुखी है, जनता की सुविधाओं के लिए आप कार्य नहीं कर रहे हैं, इनके इनकी बात सुनी जाए और इनके काम किए जाएँ, इनकी जो परेशानी है उसको सुना जाए। हम भी गए और भी लोग गए हैं, वो जहाँ तक है सबके दुख सुख के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, और वो बिल्कुल यहाँ से 100% जीतेंगे। इमरान मसूद कह रहे हैं मुस्लिम और दलित समीकरण लेके चलेंगे हम आगे, राघव लखनपाल को जैसे 19 में साफ किया था ऐसे ही साफ करेंगे दोबारे। देखे इमरान मसूद का खुद ही नहीं पता वो किस पार्टी में जाए, कभी वो इधर कभी उधर कभी इधर कभी उधर, उनको यही नहीं डिसाइड कर पा रही जिंदगी में कि मैं कौन सी पार्टी में किस टाइम, कम से कम एक स्थाई जो होता है मर्ज होता है वो ये होता है कि एक पार्टी अगर उन्होंने पकड़ ली तो उस पार्टी को जीवन काल के लिए उस पार्टी के लिए सच्चाई और ईमानदारी से खड़े हों, लेकिन उनका काम क्या है, कभी समाजवादी में कभी कांग्रेस में कभी बसपा में, मतलब एक आदमी का नेतृत्व तो होता है मजबूत नेतृत्व, गठबंधन जो होता है एक मजबूत, वो उनके पास नहीं है, और शायद उनको हम नकार चुके हैं। अब के फिर लखनपाल जी फुल बहुमत से जीतेंगे इंशाल्लाह। मैं जो जबान दे रहा मैं अपनी बता रहा हूँ, और पूरी मुस्लिम कम्युनिटी इस टाइम लखनपाल जी की तरफ देख रही है, और योगी जो हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और हमारे पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं उनकी तरफ मुस्लिम कम्युनिटी फुल बहुमत से लखनपाल जी को जिताएगी, और उनकी तरफ देख रही है जो कार्य यहाँ हो रहे हैं सहारनपुर के अंदर वो सराहनीय है, और गरीबों की सबका साथ सबका विकास जो वो कर रहे हैं वो सराहनीय है, ये उनकी बौखलाहट है, क्योंकि जैसा वो कार्य कर रहे हैं उस कार्य को देखते हुए सारी पार्टियां डरी हुई हैं कि लखनपाल जी फुल बहुमत से जीतेंगे और उनकी बौखलाहट खत्म हो जाएगी जब परिणाम ऑटोमेटिक आपके सामने आएंगे। इमरान मसूद का तो बस ऐसा ही है, लेकिन लखनपाल का तो 100% कामयाबी है। क्यों इमरान मसूद का क्यों ऐसा है? बस लायक जो आदमी होता है वो ढंग की बात करे, और जो लायक नहीं होता वो कुछ वैसे ही फिर हो जा। इमरान मसूद लायक नहीं है? अरे नहीं, वो तो कहते हैं मुसलमान की तमाम बातें उठाते हैं, मुसलमान की इसकी उठाते हैं बात है, हमदर्दी है वो बात अलग है, वो बात अलग है, उसे वो अलग चीज है, उसे छोड़ दो। अच्छा हाँ, तो इस बार मुस्लिम किस ओर जाएगा है? बीजेपी की ओर जाएगा या बसपा से भी माजिद अली मैदान में? 19 में तो बसपा का कब्जा था सहारनपुर में, मैदान में तो सब आ गए, ये तो बाद में पता लगेगा कि कौन क्या है। अच्छा हाँ, वैसे हमारी चाहत यही है कि बीजेपी जीतेगी। बीजेपी? अच्छा बीजेपी में ऐसा क्या है जो आपको लग रहा है कि बीजेपी? ये तो अपनी अपनी सोच है, मैं अपनी सोच बताऊंगा दूसरे को बुरी लगेगी, दूसरा कोई सोच बताऊंगा मुझे बुरी लगेगी। विपक्ष तो लगातार कह रहा है ये सरकार सिर्फ एक समुदाय के बारे में सोच रही है, मुस्लिमों के बारे में नहीं सोच रही। कुर्सियों के चक्कर में सब कहे, अपनी अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में सब बताते हैं,
कि हमारा जो है मामला हमारा इस तरह है। तो इमरान मसूद के साथ इस बार लगता है मुसलमान नहीं जाएगा? नहीं जाएगा 100% नहीं 200% 500% मैं बोल रहा हूँ, लगन पाल जी जीतेंगे और इंशाल्लाह पूरा सहारनपुर खुश है जब से उनको टिकट मिला है। सबका हर्ष और उल्लास का जैसे ईद हो गई हो, इंशाल्लाह ईद ही दूसरी ईद होगी जब वो जीतेंगे इंशाल्लाह। दूसरी ईद होगी जब राघव लखन जी। बिल्कुल बिल्कुल 100% बिल्कुल 100%। चोर लोग खड़े हैं इनसे भी बात। क्या नाम है जी आपका? मुल्ला जी। महबूब है जी। महबूब जी, क्या लग रहा है 2024 के चुनाव आ गए हैं? बस एक और इमरान मसूद है, एक और राघव लखनपाल, कौन बाजी? कुछ पता नहीं जी, कोई पता नहीं जी कौन बाजी मारे। अच्छा क्यों, मन में तो कोई होगा आपके जी? क्या मन को बता कर मन क्या पता मन की बता दीजिए कौन है। इमरान मसूद है, राघव लखनपाल है, माजिद अली है। क्या काम और लगा कहाँ नहीं लगा वो तो बताओगा। अच्छा 10 साल भाजपा के पूरे हो चुके हैं, तो कैसा काम रहा भाजपा जी? भारतीय जनता पार्टी के 10 साल पूरे होने जा रहे हैं, कैसा काम? कल ही मजदूरी कर रहे थे, आज ही मजदूरी कर रहे हैं। हमें क्या पता क्या आराम तो कर कर रहे बात खत्म। क्योंकि भाजपा तो कह रही है हम सबको रोजगार दे रहे हैं, राशन भी दे रहे हैं जी। हम तो मजदूरी कर रहे हैं, खा रहे बस, हम आगे का नहीं पता क्या सरकार कर रही है क्या नहीं कर रही। राहुल गांधी कह रहे हैं इस बार हम आएंगे तो मजदूरी 400 बढ़ा देंगे। चलो अच्छी बात है जी। तो मतलब राहुल गांधी को आना चाहिए बस जी, हमें पता कौन आया कौन नहीं। मतलब किस मुद्दे को जब वोट करने जाएंगे क्या मुद्दा होगा? नाम का होगा, काम का होगा, विकास का होगा, कुछ तो मुद्दा आपका होगा जो दिल में होगा, हो जाएगा बात खत्म। और क्या जी, क्या नाम है जी आपका? मुजम्मिल। मुजम्मिल जी, क्या लग रहा है एक और राहुल गांधी एक और नरेंद्र मोदी कौन बाजी मारे? भाई हम तो नरेंद्र मोदी को देंगे वोट। नरेंद्र मोदी क्यों? नरेंद्र मोदी को क्यों भाई? सुने काम कर रहा हो? क्या कुछ काम किया? अरे सब कुछ कर दिया ना, बेरोजगार कर दिए, ठाली घर बैठे खा रहे, फिर नाज मिल रहा। अच्छा और क्या, तो ये फायदे की बात कर रहे हैं आप या हमें है भाई? भाई आईडी बना दिए। अच्छा तो घर नाज मिल रहा, खाओ जाएंगे। बढ़िया, हम समझ नहीं पाए आपकी बात को, ये बढ़िया काम हो रहा है या खराब काम हो रहा है? तो आप समझदार हो भाई, जब ऐदी हो जाएगा आदमी वो खराब होगा अच्छा होगा। अच्छा आप बताओ, तो मतलब भाजपा खराब काम कर रही है? भाई एक बात बता, जब ऐदी आदमी करेगी ऐदी कर देंगे उन्हें। अरे रोजगार दो, विकास करो है भाई, सुधार तो उसमें है। अच्छा अगर सहारनपुर की बात करूँ, इमरान मसूद सामने है और एक और राघव लखनपाल है, तो कौन बाजी मारे? भाई दोनों ही कैंडिडेट ठीक है वैसे तो, जिसकी जिसे इच्छा है वो दूसरे दो, दोनों ही कैंडिडेट सही हैं। आपके मन में क्या लग रहा है कौन बाजी मारेगा? अजी इस बात को तो हम तो इमरान मसूद को दें वोट भाई। इमरान मसूद, इमरान को। कई काफ़ी चुनाव इमरान मसूद ने लड़े हैं, लोगों का कहना है, अभी हम यहाँ पे लोगों से बात कर रहे थे कि इमरान मसूद तो कभी कोई सी पार्टी बदलते हैं, कभी कोई सी बदलते हैं। ऐसा है ना, कुछ आदमी का कहीं मन हो, किसी का कहीं मन हो, हम तो इमरान को देते आ रहे वोट, इमरान को ही देंगे, इमरान को ही देंगे। हाँ जी, मेरा नाम नसीम राणा है। नसीम जी, क्या लग रहा है एक और राहुल गांधी है, एक और मोदी, और सहारनपुर की अगर मैं बात करूँ तो एक बार फिर तीसरी बार सामने है राघव लखनपाल और इमरान मसूद, कौन बाजी? भाई देखो जी, क्या नाम है, जीतेंगे तो राघव जी। राघव जी क्यों? राघव जी क्यों जीतेंगे भाई? ये तो वही नीति है, भाजपा जीतेगी। भाजपा ने क्या किया है? भाजपा ने क्या किया वो तो सबको पता है क्या 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 नहीं किया भाई, तो कह रहे हैं कि बेरोजगारी है भाजपा में। बेरोजगारी है भी नहीं भी है, मगर ये क्या भाई, हमारा तो काम बढ़िया चला, क्योंकि मोदी योजना का मकान आए। अच्छा मकान जी, तो जितने मकान आए उसके हिसाब से हमारा काम बहुत बढ़िया चला। क्या होने वाला फिर 2024 में? राघव लखनपाल सहारनपुर की सीट पे कब्जा करेंगे? पक्का होगा जी। होगा हाँ। इमरान मसूद का क्या होगा? बस देखो जी, वो तो अल्लाह जाने जी, अल्लाह जाने जी। और माजिद अली तो कह रहे हैं इस बार दलित और मुस्लिम समीकरण लेके चल रहे हैं, जैसे 2019 में जीते थे ऐसे एक बार फिर जीतेंगे। तो वो बढ़िया है जी, वो जीत जाओ तो। माजिद अली वो जीत जाए तो बढ़िया है, वे नहीं जीते ही, जीतने के नहीं। माजिद तो वही है ना, क्या नाम है, गाड़े। वो नहीं, वो नहीं जीतते जी। क्या कह रहे हैं जी? बहुजन से नहीं, वो नहीं जीत पाएंगे। माजिद अली नहीं जीतेंगे? नहीं जी। तो कह रहे हैं दलित मुस्लिम समीकरण है हमारे साथ? नहीं, वो नहीं जीतने। 2019 में तो बसपा ने ही कब्जा किया था ना जी? ना, इमरान और लखनपाल की टक्कर है। इमरान और राघव लखनपाल दोनों बड़े चेहरे हैं, उन्हीं की टक्कर है, उन्हीं का प्रभाव है यहाँ सहारनपुर में। तो सुनिए, आपने कुछ लोगों की राय थी जिनका यही कहना है 2024 में जो इस बार का वोट होगा वो विकास को होगा, देखना ये होगा सहारनपुर में क्या राघव लखनपाल कब्जा कर पाते हैं या 2019 की तरह क्लीन स्वीप रह जाते हैं। कैसी लगी आपको हमारी खबर? खबर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपनी राय जरूर रखिए। नमस्कार।